हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम करने वाले हैं वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल एंड द ब्रांड विच आई एम गोइंग टू यूज इज डेली लाइफ फॉर एवर 52। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस को मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया है और लिप्स पे लिप बाम भी लगा लिया है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द प्राइमर फर्स्ट एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस सीरम बेस्ड प्राइमर फ्रॉम फॉर एवर 52। तो जब तक मेरा प्राइमर अब्सॉर्ब हो रहा है, मैं आईब्रोज फिल करूंगी यूजिंग दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम फॉरएवर 52 ऑब्वियसली। बहुत पिगमेंटेड पेंसिल है ये, इसलिए मैं स्लाइट स्ट्रोक के साथ फिल कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस पुली ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आईब्रोज पे। Quickly, I'm finishing off the other eyebrow too. So first, I want to color correct my face and उसके लिए मुझे green corrector चाहिए जो Forever 52 में नहीं है। तो मैं यहाँ पर Krylon का green corrector use कर रही हूँ। And for my dark circle, I'm going to use this orange corrector from Forever 52. और अब मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे स्लाइटली ब्लेंड करूंगी एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम Forever 52। अब मैं यूज कर रही हूँ ये ट्रांसलूसेंट पाउडर विच इज इन द शेड 05 टू सेट माई इंटायर करेक्शन। Now for foundation, I am using Ultra Foundation in the shade 14. And with a brush, I am going to blend this. अब फेस कॉन्टोरिंग के लिए मैं ये डार्क शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। Blending it with the same brush. And to highlight my face, I'm using this concealer in the shade 001. It's a full coverage concealer. And blending everything in. Now I'm using this compact powder to set my entire face and it is in the shade 105। क्योंकि मेरे पास ब्रॉन्जर नहीं है Forever 52 का, इसलिए मैं इनका आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ टू ब्रॉन्ज माई फेस एंड आई विल बी टेकिंग दिस ब्राउन शेड फ्रॉम दिस पैलेट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी लेकर के डस्ट ऑफ करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग दिस स्टूडियो ब्लशर इन द शेड 001। क्योंकि ये ब्लशर काफ़ी लाइट है, इसीलिए मैं कुछ और कलर्स को ऐड करूँगी फ्रॉम दिस पैलेट। आई विल बी यूजिंग दिस पीचिश पिंक कलर फ्रॉम दिस पैलेट। हाइलाइटर के लिए मैं ये वाला हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ विच इज़ इन द शेड 002 और ये जो लाइट शेड है ये मैं यूज़ करूँगी। एज यू कैन सी इट्स वेरी पिगमेंटेड। आई एम अप्लाइंग इट ऑन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस।
You can use either fingers or beauty blender or brush. Now I'm starting with my eye makeup और मैंने कोई concealer का इस्तेमाल नहीं किया है eyelid पर. जो भी foundation मेरे brush पे था, beauty blender पे था, उसी को मैंने अपनी आँखों के ऊपर भी लगा लिया. So before applying this eyeshadow from Forever 52, I will be using a small beauty blender and kind of diffuse the creases which are there. और फिर लूज सेटिंग पाउडर से मैं इसे सेट कर लूँगी. क्रीज के लिए आई विल बी टेकिंग दिस शेड. और धीरे धीरे मैं कलर ऐड करते जाऊंगी. नाउ आई एम टेकिंग दिस डार्क पिंक कलर और इसे क्रीज पर ही लगाऊंगी. और लिड के लिए मैं इस स्पार्कली पिंक कलर का इस्तेमाल करूंगी. ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं इस ऑफ वाइट शिमरी शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ. यू कैन सी हाउ पिगमेंटेड इट इज. जनरली आई डोंट यूज आई लाइनर बट जस्ट टू विंग आउट अ लिटिल आई एम यूजिंग दिस लिक्विड लाइनर फ्रॉम फॉरएवर 52 इन द शेड 001. वाटर लाइन के लिए मैं ये ब्राउन पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ विच इज़ वाटर प्रूफ एंड इट इज़ इन द शेड 02. और अब मैं इस काजल को स्मज करूँगी यूजिंग दिस ब्राउन शेड. और उसी के जस्ट नीचे मैं इस पिंक शेड को भी स्मज करूँगी. Now I'll be curling my lashes. And then I will use this XL mascara which is going to give me the illusion of fake lashes. You can already see the difference. Now let me quickly complete the other eye makeup as well. For my lips, I am using shade number FT005 from this Velvet Crayon lipstick. Now to set my face, I am using this Mist and Fix. And that's the final look. And yes, that's all about today. I hope you have liked this makeup because I am in love with this makeup. और affordable product की बात करूँ तो ये brand बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा pigmented इसके सारे ही product थे. End result भी काफ़ी ज़्यादा fabulous है. So if you are looking for one brand makeup, I think this should be the go-to for you. And I hope you have enjoyed this tutorial. If so, please like, comment and subscribe to my channel. See you in my next video. Bye-bye.